जागते रहो। अगर आप भी YouTube पर वीडियो देखने के शौकीन हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल इस प्लेटफॉर्म पर एक नए तरह की साइबर ठगी हो रही है। साइबर क्रिमिनल फेक आईटी सपोर्ट साइट का इस्तेमाल कर लोगों को निशाना बना रहे हैं। वे YouTube पर वीडियो के जरिए ऐसी साइट्स को प्रमोट कर रहे हैं जिनके जरिए लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुराई जाती है। एक बार पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी हुई तो ठगी शुरू हो जाती है। दरअसल सिस्टम में विंडोज से जुड़ी दिक्कतें आना कॉमन है और ये साइट्स इस तरह की दिक्कतों को आसानी से फिक्स करने का दावा करती हैं। लोग इस झांसे में आकर इन फेक साइट्स पर जाते हैं और फिर ठगी का सिलसिला शुरू हो जाता है। आगे बढ़ें उससे पहले जानते हैं कि मैलवेयर क्या होता है। मैलवेयर दरअसल एक मेलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो साइबर क्रिमिनल खुद डेवलप करते हैं। साइबर क्रिमिनल या हैकर मैलवेयर का इस्तेमाल करके फोन और कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज करते हैं, उससे डेटा चुराते हैं। वायरस वॉर्म, ट्रोजन वायरस, स्पाईवेयर, एडवेयर और रैंसमवेयर के शब्द आपने जरूर सुने होंगे। ये सभी मैलवेयर हैं। ब्लीपिंग कंप्यूटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक YouTube के जरिए फैलाए जा रहे मैलवेयर की मदद से सेव्ड कुकीज, ब्राउजिंग हिस्ट्री और डिवाइस में स्टोर्ड क्रेडिट या डेबिट कार्ड की जानकारी सहित सेव्ड डेटा चुराया जा रहा है। जानकारी चुराने के बाद आपकी सिक्योरिटी के साथ समझौता तो होता ही है, साथ ही आपके बैंक अकाउंट से हजारों लाखों रुपए भी उड़ाए जा सकते हैं। ये मैलवेयर कितने खतरनाक हैं इसे आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपके डिवाइस में मौजूद क्रिप्टो करेंसी वॉलेट, टेक्स्ट फाइल्स एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फाइल को भी ये एक्सेस कर सकते हैं। और तो और वे डेस्कटॉप का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे यूजर की फाइनेंशियल सिक्योरिटी में सेंध लग जाती है। इस तरह की साइबर ठगी का जो मॉडस ऑपरेंडी है उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। साइबर क्रिमिनल दरअसल YouTube यूजर्स को विंडोज से जुड़े एरर को आसानी से फिक्स करने का झांसा देते हैं। ये साइट लोगों को एक कोड दिखाती हैं और उसे कॉपी और रन करने या विंडोज रजिस्ट्री फाइल का कंटेंट इंपोर्ट करने के लिए कहती हैं। इधर आपने इंस्ट्रक्शंस फॉलो किए और उधर आपकी डिवाइस किसी रिमोट सर्वर से कनेक्ट कर दी जाती है। इसके बाद ये रिमोट सर्वर आपके डिवाइस में मौजूद इंफॉर्मेशन को चुराने वाला मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। आपके डिवाइस में मैलवेयर सही से काम करे इसके लिए यूजर से अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करने के लिए कहा जाता है। डिवाइस रीस्टार्ट करने के साथ मैलवेयर डिवाइस में रीलॉन्च हो जाता है। इसके बाद यूजर को मैसेज आता है कि विंडोज का एरर फिक्स कर दिया गया है, यानी ठीक हो गया है। एरर भले ही फिक्स हो ना हो लेकिन ये तय है कि आपके साथ एक फाइनेंशियल ट्रेजेडी होने की शुरुआत हो जाती है। अब सवाल उठता है कि हम इस तरह की ठगी से कैसे बचें। तो इस तरह की ठगी से बचने के लिए सबसे जरूरी सलाह ये है कि आप खुद अलर्ट रहें। कहते हैं कि देर इज नो सच थिंग एज अ फ्री लंच, मतलब मुफ्त में कोई चीज नहीं मिलती और कोई मुफ्त में आपकी मदद करने का दावा करता है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है। इसलिए हमारी सलाह होगी कि कभी भी ऐसे कुछ भी डाउनलोड ना करें, केवल भरोसेमंद साइट से ही ऐसे सॉफ्टवेयर पैच डाउनलोड या इंस्टॉल करें। साथ ही रैंडम वीडियो से ऐसे सलाह लेने से बचें। ये रैंडम वीडियो YouTube पर हैक किए गए किसी अकाउंट से शेयर किए जा सकते हैं।